हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप हंड्रेड क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे इस वीडियो का फ्री पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन मे 2023 ट्वेंटी विच स्टेट हैज़ रीच्ड द सेकेंड पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम जी आई टैग राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विद 48 जीआई जी टैक्स हैज रीच्ड द्वाइंट सेकंड पोजिशन विद कर्नाटक अमंग द स्टेट्स विद हाइएस्ट नंबर ऑफ जीआई आई टैक्स ये आप याद रखिएगा स्टेट विद हाईएस्ट जी आई टैग है तमिलनाडु 55 जीआई जी आई टैक्स के साथ ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे स्थित है चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल क्लासिकल डांस है कथक लजिस्लेचर है बाई कैमरल काउंसिल सीट्स हैं हंड्रेड असेंबली सीट्स फोर ज़ीरो थ्री राज्यसभा सीट्स थर्टी वन और लोकसभा सीट्स हैं एटी ये भी आप याद रखिएगा जी आई टैग वट इज़ जी आई टैग जी आई टैग स्टैंड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन विच इज़ अ नेम और साइन गिवन टू अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट हैज़ अ स्पेसिफिक रिलेशन विद ज्योग्राफिकल लोकेशन जनरली जी आई टैग यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फूड स्टफ्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्पिरिट ड्रिंक्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जीआई टैग इंश्योर करता है कि किसी अनऑदोराइज यूज़र को पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम को यूज़ करने की अनुमति ना दी जाए ये भी आप याद रखिएगा जी टैग कैम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फिफ्टींथ सेप्टेम्बर टू दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल की टी है ये फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है टू गेट जी आई टैग इन टू थाउजेंड फोर टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम हैजन आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने वॉन किया है आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आप याद रखिएगा फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफीट किया गुजरात टाइटन्स को बाय फाइव विकेट्स टू विन देयर रिकॉर्ड फिफ्थ टाइटल इन्होंने फाइव टाइटल वॉन किए टू थाउजेंड टेन अलेवन टू थाउजेंड एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इस विक्ट्री के साथ ही चेन्नई सुपर किंग बन गया फाइव टाइम आईपीएल पी चैंपियंस एंड इक्वल द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट आईपीएल टाइटल विंस बाय मुंबई इंडियंस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट आईपीएल 2023 ये ऑर्गेनाइज किया गया 31 मार्च 2023 से लेकर 29 मई 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये क्रिकेट फॉर्मेट है ट्वेंटी एडिशन रहा सिक्सटीन होस्ट किया गया इंडिया में स्पॉन्सर रहा टाटा चैम्पियन रही चेन्नई सुपर किंग्स जो कि इसका फिफ्थ टाइटल है रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस पार्टिसिपेंट्स टीम रही टेन मैचेस प्ले किए गए सेवेंटी फोर पर्पल कैप जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट विकेट्स से ये दिया गया है मोहम्मद शामी को ये गुजरात टाइटंस टीम से हैं इन्होंने ट्वेंटी एट विकेट्स लिए ऑरेंज कैप जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट रन से ये दिया गया है शुभमान गिल को ये गुजरात टाइटन्स टीम से हैं इन्होंने 890 नाइन्टी लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे शुभमान गिल ये गुजरात टाइटन्स के प्लेयर हैं प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में डेवॉन कॉनवे ये गुजरात टाइटन्स टीम से हैं इन्होंने 47 सेवन रन लिए ट्वेंटी फाइव बॉल्स में नेक्स्ट वेयर इज द मॉलम चैनमो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख मोलम चैनमो फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में यह या आप याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेंगे हॉनबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है मंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल जो फेस्टिवल मिजोरम धनुजात्रा फेस्टिवल ओडिशा माधोपुर फेयर फेस्टिवल गुजरात चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु गंगोर फेस्टिवल राजस्थान कारावली फ़ेस्टिवल कर्नाटक माघ बिहू आसाम जलीकट्टू मदुरई तमिलनाडु जपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम इनावेशन फ़ेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश नागोबा यात्रा, तेलंगाना सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा घोड़ा आर्ट फ़ेस्टिवल मुंबई का फेस्टिवल है ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू कॉन्क्योर माउंट एवरेस्ट ट्वेंटी सिक्स टाइम्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी पासंग दावा शेरपा पासंग दावा शेरपा ये नेपाल से बिलोंग करते हैं ये बन गए हैं सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू कॉन्क्योर माउंट एवरेस्ट ट्वेंटी सिक्स टाइम्स फर्स्ट पर्सन रहे हैं कामी रीता शेरपा ये भी नेपाल से बिलोंग करते हैं यहाँ आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं और फ्रेंड्स साथ ही याद रखिएगा कि रिसेंट में वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन रिबिल्ड किया गया है माउंट एवरेस्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ इनोग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया इंडिया के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया न्यू दिल्ली में इसे डिज़ाइन किया गया एच सी डिज़ाइंस के द्वारा और कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसकी शेप है ट्राइंगुलर और चीफ आर्किटेक्ट रहे बिमल पटेल जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल राइट आंसर इज ऑप्शन बी आयरलैंड आयरलैंड बन गया है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल या आप याद रखिएगा इस इनिशिएटिव की एम है टू रेज अवेयरनेस विद दोटेंशियलोहल कंजप्शन बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड इज एन आइलैंड इन द नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन तो इट्स ईस्ट बाय नॉर्थ चैनल द आयरिश सी एंड सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइल्स द थर्ड लार्जेस्ट इन यूरोप एंड द ट्वेंटी लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है डब्लिन और प्रेसिडेंट है मिकेल डी हिगेंस करेंसी है यूरो ये भी आप याद रखिएगा और इसे ऑफिशियली जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द जी सेवन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हेल्ड राइट आंसर इज ऑप्शन ए जापान जी सेवन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये ऑर्गेनाइज की गई जापान में यह आप याद रखिएगा जी सेवन समिट इज हेल्ड इन हिरोशिमा जापान ये इसका एडिशन रहा फोर्टी नाइन्थ प्रेजिडेंसी की इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी ने जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के इन्वाइटेड गेस्ट कंट्रीज रहीं ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कॉमोरेसूक आइलैंड्स, इंडिया इंडोनेशिया साउथ कोरिया यूक्रेन एंड वियतनाम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑपरेशन हैज स्टार्टेड बाई इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन करुणा को स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स इंडिया एयरक्राफ्ट जो कि इन्वॉल्व रहे इस ऑपरेशन में उनके नाम हैं आईएनएस शिवालिक आईएनएस कामोरता एंड आईएनएस सावित्री इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के रिविज़न कर लेंगे जो कि लॉन्च किए गए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन दोस्त ये लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड एड टू टर्की एंड सीरिया ऑपरेशन गंगा ये एक इवेक्शन मिशन था टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियंस नेशनल्स आर स्ट्रेंडेड यूक्रेन ऑपरेशन देव शक्ति एक इवेक्वेशन ऑपरेशन था जो कि शुरू किया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगस्त 2021 में टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियंस नेशनल फ्रॉम अफगानिस्तान वंदे भारत मिशन के अकॉर्डिंग स्पेशल फ्लाइट्स वर ऑपरेटेड अक्रॉस टू ग्लोब इन द मिशन टू ब्रिंग बैक द नेशनल्स हु वर लेफ्ट नेशनल इन फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन

केरल की वायनाड डिस्ट्रिक्ट इंडिया की फर्स्ट ओपन डिफाकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी है यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स ओ डी एफ प्लस विलेज दैट इज अ विलेज वेयर देयर इज कम्प्लीट बैन ऑन ओपन डिफाकेशन एंड देयर इज एट लीस्ट वन कम्युनिटी टॉयलेट इन द ग्राम पंचायत यह आपने याद रखना है फर्स्ट इन न्यूज़ देख लेंगे राजस्थान बना है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनैक्ट अ राइट टू हेल्थ एक्ट इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम है रेपिडेक्स The world's first conservation and breeding centre for the critically endangered Asian King Vulture is set to open in Uttar Pradesh's Kanj district. India's first cable-stayed railway bridge Anji Khad Bridge to connect Katra and Rezi in Jammu and Kashmir. Haryana becomes the first state in India to have 100% electrified railway network. इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ओल्डर चिल्ड्रन ये स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड में ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ स्पेनिश फुटबॉल लीग ला ट्वेंटी ट्वेंटी राइट आंसर इज ऑप्शन सी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने वॉर्न किया है टाइटल ऑफ स्पेनिश फुटबॉल लीग ला ट्वेंटी ट्वेंटी रनर अप टीम रही एस्पानियोल ये भी आप याद रखिएगा Next question Which country has given legal recognition to euthanasia for the age group above 18 years? Right answer is the option B Portugal. Portugal country has given legal recognition to euthanasia for the age group above 18 years. Euthanasia is the practice of a deliberate attempt to end one's life in order to relieve suffering. पोर्तगल जिसे ऑफिशियली जाना जाता है पोर्तज रिपब्लिक के नाम से ये साउदन यूरोपियन कंट्री है ऑन द आइबेरियन पेनिसला बॉर्डरिंग स्पेन इसकी कैपिटल है लिस्बन प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो दे सोसा प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा और करेंसी है यूरो नेक्स्ट क्वेश्चन इन right में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द सेकेंड एडिशन ऑफ द अल मोहम्मद अल हिंदी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक्साइज हैज़ बिन ऑर्गेनाइजी ऑप्शन है इंडिया इन सऊदी अरबिया में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सेकेंड एडिशन ऑफ द अल मोहम्मद अल हिंदी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो कि एक नेाइज है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच इसका वेन्यू रहा सऊदी अरेबिया में और इंडियन शिप्स जो कि इन्वॉल्व थी इस नेवल एक्साइज में वह रही आई एन एस तरकश एंड आई एन एस सुभद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ़ द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डी एस सी आई राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रमोद भसीन प्रमोद भसीन हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डी एस सी आई डी एस सी आई मीन्स डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ अगस्त 2008 में और इसका हेड क्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में सी ई ओ है विनायक कोट से नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस राइट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसने अप्रूव किया है गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अप्रूव्ड द फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री जिसकी एम है टू मेक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल एक्सेसिबल डायनामिक एंड ट्रांसपेरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डिरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एम ई पॉप एमी पॉप हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी ये आप याद रखिएगा आई ओ एम मीनस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसका फॉर्मेशन हुआ सिक्स दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी वन में हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विटरलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द क्वाड समिट ऑर्गेनाइज इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन सी जपैन क्वाड समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड की गई है जापान में प्रेसिडेंसी की इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट 2024 इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी क्वाड कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट रोड टनल अंडर द सी बी बिल्ट राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुंबई इंडिया के फर्स्ट अंडर सी टनल विच इज सेट टू ओपन प्रियादर्शनी पार्क मुंबई तो इंडिया का फर्स्ट रोड टनल अंडर सी ये बिल्ट किया जाएगा मुंबई में नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिकेवलप्ड Right answer is option D, Jogi Gopa Assam. First search MMLP. It is being met by NHIDCL in Jogi Gopa of Assam. The park will be connecting to road, rail, and air waterways. This is being developed in 370 acre land along the Brahmaputra. नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज सेवन पीठ आंसर इज ऑप्शन सी दामोदर मोजो दामोदर मोजो इन्होंने वो किया है फिफ्टी सेवन पीठ अवार्ड दामोदर मोजो एक नॉवलिस्ट स्टोरी राइटर क्रिटिक और एसियस्ट हैं इन्हें है अवार्डेड किया गया है फिफ्टी सेवंथ ज्ञान पीठ अवार्ड से ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द साहित्य अकेदमी अवार्ड कौकड़ी इनटीन एटी थ्री फॉर हिज नॉवल कारमेलिन मोजो इज द सेकेंड गोआन टू रिसीव द अवार्ड आफ्टर रविंद्र कालेकर इन 2008. थाउजेंड एट ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देख लेंगे ये लिटरेचर की कैटेगरी में दिया जाने वाला अवार्ड है ये एस्टेब्लिश हुआ 1965 में इसकी प्राइस बनी होती है 11 लाख ,00 रुपीस इसके फर्स्ट विनर रहे जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम लैंग्वेज से एसोसिएटेड हैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन विनर रहीं आशा पूर्णा देवी ये बंगाली लैंग्वेज से एसोसिएटेड है और अल्टीमेट विनर रहे दामोदर मौजो 2021 टू 2022 के लिए यह हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन लिटरेचर का एनी पर्सन ऑफ द कंट्री राइट्स इन एनी ऑफ 22 लैंग्वेजेस इन ट्वेंटी शेड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम यू सिटीज़ फर्स्ट टर्बन वेयरिंग लॉर्ड मेयर राइट आंसर इज ऑप्शन सी जसवंत सिंह बेडी जसवंत सिंह बेडी हैज बिकम सिटीज फर्स्ट टर्बन लॉर्ड मेयर ये आप याद रखिएगा जसवंत सिंह बेडी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं पंजाब इंडिया से इन्होंने हिस्ट्री मेड की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट सिख काउंसिलर टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोजिशन ऑफ लॉर्ड मेयर इन कोवेंट्री द सिटी नोन फॉर इट्स डाइवर्स कम्युनिटी हैज इम्प्रेस ब्रिटिश अपॉइंटमेंट एज अ सिंबल एंड इनक्लूसिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑथर वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल टाइम शेल्टर राइट आंसर इज द ऑप्शन सी जॉर्जी गोसपॉन्डिनो जॉर्जी गोस्पोंडिनोव ने वॉर्न किया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल टाइम शेल्टर टाइम शेल्टर जो कि लिखा गया है जॉर्जी गोसपॉन्डिनोव के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में एंजेला रोडल के द्वारा इसने वॉर्न किया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बात करें लास्ट ईयर के प्राइस की तो ये दिया गया था गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सेंट नावल के लिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेंगे रेमोन मैग अवार्ड 1959 दलाई लामा को दिया गया है असम वैभव 2023 तपन कुमार साइका एबल प्राइज 2023 ट्वेंटी थ्री लुइस कैफरेली ये यूएसए से, से हैं शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं बाय सेंट्रल बैंकिंग सरस्वती सम्मान 2022 ट्वेंटी संकरी व्यास सम्मान 2022 ट्वेंटी टू ज्ञान चतुर्वेदी प्रिस्कर प्राइज़ 2023 ट्वेंटी डेविड चिपरफील्ड ब्रिटेन से हैं मार्कोनी प्राइज 2023 ट्वेंटी थ्री कृष्णा, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 ट्वेंटी टू मार्केल लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यू के मनमोहन सिंह द मोस्ट डिस्टिंग्विस्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बने हैं आर विष्णु प्रसाद पीटी टी हरी प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे मिस यूनिवर्स 2022 ट्वेंटी टू आरबॉनी ये यूएसए से हैं और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवॉर्ड एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर रहा है नाटू नाटू ये ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यू राइट आंसर इज ऑप्शन बी मनोज सोनी मनोज सोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यू एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी ने ओथ ली है एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यू पी फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट यू पी एस सी यह एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन हेड क्वार्टर है न्यू डेली में चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा There can be 9 to 11 members in the UPSC, including the chairman. The tenure of every member is limited to 6 years or till the age of 65. The Constitution of India has laid out provisions regarding the UPSC in Article 315 to 323 of Part 14. The UPSC functions with full autonomy and freedom. Next question In which country was Mahatma Gandhi's scholarship awarded to 300 students? राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्रीलंका 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 25 फाइव डिस्ट्रिक्स इन श्रीलंका इन्हें ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी स्कॉलरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ री एलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर एन जयप्रकाश आर एन जयप्रकाश को री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आर एन जयप्रकाश एंड मोनल डी चौकसी व री इलेक्टेड प्रेजिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एस एफ आई एड इट्स एन्यल जर्नल बॉडी यह आप याद रखिएगा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में एफिलिएशन वर्ल्ड एक्वेटिक्स फाउंड हुआ 1948 में मेंबरशिप है 30 स्टेट यूटी एसोसिएशन सीईओ है वीरेंद्र नानावती Next question Which city backed the first rank in the National Water Award 2022? Right answer is option C Chandigarh. Chandigarh the first rank in the National Water Award 2022 the ministry of jal shakti department of water resources river department and ganga rejuvenation inhone decide kiya municipal corporation chandigarh ko as first in the best local body category of the national water award 2022 next question which actor is to be felicitated with outstanding achievement at ifa 2023 right answer is option a kamal Hassan कमल हसन जो कि एक वेतरन एक्टर हैं ये फेलिसिटेट किए जाएंगे विद आउट अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द आईफा 2023 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2023 हैज टेकन प्लेस इन यास आइलैंड अबू धाबी अदर इंपॉर्टेंट के नाम देख लेंगे इन आईफा 2023 बेस्ट फिल्म रही दृश्यम टू बेस्ट डायरेक्टर रहे आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नाम फैक्टर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रहीं आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई खादिया बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रहे ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेधा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा रहे मनीष मल्होत्रा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड दिया गया कमल हासन को बेस्ट अडेप्टेड स्टोरी रही आमिल खान एंड अभिषेक पाठक फॉर त्रिश्यम ट्यू बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी रही परवीज शेख एंड जस्मी रीन फॉर डार्लिंगस बेस्ट प्लेबैक सिंगर रहे मेल में अरिजीत सिंह फॉर द सॉन्ग कैसरिया फॉर भ्रहमास्त्रा पार्ट वन शिवा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन रहा प्रीतम फॉर भ्रहमास्त्रा पार्ट वन शिवा का ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो वॉन द डायलन थॉमस प्राइस इन ट्वेंटी राइट आंसर इज ऑप्शन डी अरिंज आइफ कैंडो अरिज आइफ कैंडो ने वॉर्न किया है डायलन थॉमस प्राइस इन ट्वेंटी इन्हें अबॉडिट किया गया है फॉर अ क्लाइडोस्कोपिक रेफ्लेक्शन ऑफ क्वीर लाइफ एंड लव इन नाइजीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु कन्फर्ड फिजिस्ट हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कन्फर्ट किया गया है विद फिजी हाइएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसके द्वारा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफ द रिपब्लिक फिजी राबुका के द्वारा फ्रेंड्स साथ ही याद रखिएगा कि पपुआ न्यू गिनिया इट्स हाइएस्ट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज कंफर्ट विद फ्रांसिस हाइस्ट सिविलियन अवार्ड राइट आंसर इज ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चवेलियन देला फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ इन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे अबाउट फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस के हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड को जाना जाता है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से यह इस्टेब्लिश किया गया था नेपोलियन बोनापार्टी के द्वारा 1802 में यह अवॉर्डिट किया जाता है फ्रेंच सिटीजन्स और फॉरेनर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री सिविल एंड कल्चरल अफेयर्स इस ऑर्डर के फाइव ग्रेड्स होते हैं ग्रैंड क्रॉस ग्रैंड ऑफिसर कमांडर ऑफिसर नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन the documentary gauri received the best long documentary award at the south asian film festival of montreal 2023 is directed by right answer hojaika friends option c kavita lankesh gauri जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है ये बेस्ट जो है जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट गौरी लंकेश पर जो कि डायरेक्ट की गई है कविता लंकेश के द्वारा इसने वॉर्न किया है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियाल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पॉट बीन अवॉर्डेड द सागर श्रेष्ठ सम्मान राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोचिन The Ministry of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal presented the award to Coaching Port Authority Chairperson M. Bina in New Delhi. The award is in recognition of the excellent performance of the Coaching Port in handling dry bulk and liquid bulk cargo vessels. Next question Which city has topped the Prime Global Cities Index 2023, Quarter 1? Right answer is option B Dubai. दुबई सिटी ने टॉप किया है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 के क्वार्टर वन में ये या आप याद रखेगा द इंडियन सिटी ऑफ मुंबई रैंक्ड सिक्स इन हाउसिंग प्राइस ग्रोथ ग्लोबली विद एन इनक्रीज ऑफ 5.5 पॉइंट परसेंट ईशर रहा इस इंडेक्स का नाइट फ्रैंक यहाँ आप लिस्ट में देख सकते हैं मुंबई रहा सिक्स प्लेस पर सिक्सटीन प्लेस पर रहा बेंगलुरु और ट्वेंटी प्लेस पर रही न्यू डेली नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज राइट आंसर इज ऑप्शन ए किरण रिजिजू किरण रिजिजू हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज साइंसिस आप याद रखिएगा नेक्स्ट अ फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्री लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन रिकोगनाइज एज द ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री इन द वर्ल्ड राइट आंसर इज ऑप्शन डी चिले फाइव थाउजेंड ईर ओल्ड ट्री लोकेटेड है चिले में ये रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री इन द वर्ल्ड बात करें चिले की तो इसे ऑफिशियली जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ चिले के नाम से ये एक कंट्री है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में इट इज़ द साउद मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड क्लोजेस्ट टू अंटार्कटिका स्ट्रेचिंग अलोंग नैरो स्ट्रीप्ट ऑफ लैंड बिटवीन द एंडीज माउंटेंस एंड द पैसिफिक ओशन इसकी कैपिटल है सैंटियागो प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक और करेंसी है चिलीयन पेसो नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड साहस इनिशिएटिव टू मेक वर्कप्लेस सेफ फॉर वीमेन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना तेलंगाना स्टेट ने स्टार्ट किया है साहस इनिशिएटिव टू मेक वर्कप्लेस सेफ फॉर विमेन इस प्रोग्राम की एम है To strengthen the system that protects women from sexual harassment at the workplace. So, बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद ये मूसरीवर के किनारे स्थित है चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरा राजन लजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119, लोकसभा सीट्स हैं 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7. नेक्स्ट क्वेश्चन

हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नाट इंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने वॉन किया है टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियम लीग ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसका वेन्यू रहा इंग्लैंड में और ये इसका एडिशन था थर्टी फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री द लिस्ट ऑफ अनहैपीएस्ट कंट्री इन वर्ल्ड एज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन वर्ल्ड एज पर एम आई इंडिया की रैंक रही इसमें वन जीरो थर्ड जबकि यूएस की, की रैंक रही वन थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड हामर लायक अभियान राइट आंसर इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है हमार सुघल लायक अभियान ये या आप याद रखिएगा इस अभियान का उद्देश्य है टू ब्रिंग मेल नरिश्ड चिल्ड्रन इनटू द कैटेगरी ऑफ वेल नरिश्ड चिल्ड्रन बात करें छत्तीसगढ़ कर की तो इसकी कैपिटल है रायपुर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं बिवा भूषण हरी चंदन सीट्स हैं नाइन्टी लोकसभा सीट्स हैं अलेवन और राज्यसभा सीट्स हैं फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ इनोग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंगोल सेंगोल को प्लेस किया गया है नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एट द टाइम ऑफ ऑफ़ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च्ड निरामेय स्वास्थ्य बीमा योजना टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज टू डिसेबल्ड चिल्ड्रेन राइट आंसर इज ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना को टू तो प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ टू तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है विशाखापटना, चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी और गवर्नर है हैं अब्दुल नज़ीर असेंबली सीट्स हैं वन लोकसभा सीट्स हैं ट्वेंटी और राज्यसभा सीट्स हैं अलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन Who has become the new tennis ambassador of Sony Sports Network? Right answer is option A Sania Mirza. Sania Mirza become the new tennis ambassador of Sony Sports Network. Next, which country has developed a technology called Giga jet to compete with the artificial intelligence chatbot ChatGPT? Right answer is option B Russia. रशिया के स्परबैंक ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी नेम्ड गीगा चैट टू कम्पीट विद चैट जीपीटी इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट रेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लब हैज़ वॉन द फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन सीरीज ए टाइटल इन 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नापोली नेपोली क्लब ने वॉन किया है फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन सीरीज़ ए टाइटल इन ट्वेंटी इसका वेन्यू रहा इटली में नेक्स्ट वैन हैज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी एट्थ मे एट्थ मे को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 मनाया गया है इसकी थीम रही है एवरी थिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन आई पी एल राइट आंसर इज ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल आई में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं यशस्वी जायसवाल ये राजस्थान रॉयल्स टीम के बैट्समैन हैं जिन्होंने मेड किया है इस रिकॉर्ड को बाय स्कोरिंग 50 रन से इन 13 बॉल्स अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स नेक्स्ट क्वेश्चन बाइलेट्रल नेवल एक्साइज समुद्र शक्ति 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया एंड इंडोनेशिया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बायोलेट्रल नेवल एक्साइज समुद्र शक्ति 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया इसका वेन्यू रहा इंडोनेशिया में एडिशन रहा ये फोर्थ और एयरक्राफ्ट जो कि इन्वॉल्व रहे इंडियन साइट से उनका नाम है आई एन एस कारावती एंड चेतक हेलीकॉप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हु बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिता मे सरदारा मैया अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन में 2023 और स्टेट के नाइन्थ मिनिस्टर जो कि थे डी देवराज उर्स ये इनका लॉन्गेस्ट एन्य रहा था इन्होंने स्पेंड किए मोस्ट डेज इन ऑफिस इन्होंने सर्व किए 2,790 डेज इन टू सेपरेट टर्म्स बात करें कर्नाटक की तो ये फॉर्म हुआ था फर्स्ट नवंबर 1956 में कैपिटल है इसकी बेंगलुरु चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामया गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी लजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 224 सीट्स काउंसिल सीट्स हैं 75, लोकसभा सीट्स हैं 28 और राज्यसभा सीट्स हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट रीडिंग लॉन्च बीन ओपनड राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट

प्रवीण सूद हैज बीन क्स्ट सी नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कर्नाटक इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बात करें सीबीआई की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म किया गया था 1963 में बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एजेंसी एग्जीक्यूटिव है प्रवीण सूद नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ पीन कन्फर्ड बा फेलोशिप द हाइएस्ट अकोलेट बेस्ट ऑफ द बाय द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीरा सियाल यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सयाल को कन्वर्ट किया गया है बाफ्ता फेलोशिप से ये हाईएस्ट एक्लेट है जो कि बेस्ट ऑफ किया जाता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्ता के द्वारा ये उन इंडिविजुअल्स को रिकोगनाइज करता है जिनका कि टेलीविज़न और फिल्म में आउटस्टैंडिंग और एग्जेपनल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फ़ीबा राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर के गोविंद राज डॉक्टर के गोविंद राज इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फिबा एशिया दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ़िबा एशिया बात करें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फिबा की तो इट इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट ऑफ बास्केटबॉल वर्ल्ड वाइड वाइडलिश हुआ था नाइनटीन में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है हैं हेमंग नियांग नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एक्साइज ए आई एम ई हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच यूनियन राइट आंसर इज ऑप्शन ए एशियन मेरी टाइम एक्साइज ए आई एम ई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया और एशियन यूनियन के बीच में ए आई एम ई मीन्स एशियन इंडिया मेरी टाइम एक्साइज इसका वेन्यू रहा सिंगापुर और साउथ चाइना सी में इंडियन शिप्स जो कि इन्वॉल्व रहीं इस मेरी एक्साइज में आई सतपुरा एंड आई एन एस डेली नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल टेक ऑथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोध ऑफ द अबव के वी विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा तो Justice Prashant Kumar Mishra and Senior Advocate KV Vishwanathan will take oath as Supreme Court Judges. With this, the working strength of Supreme Court has reached its sanctioned judge strength of 34. It was working with 32 judges following the retirement of Justices Dinesh Maheshwari and M.R. Shah. Next question. Who has been named as brand ambassador of Tripura Tourism? राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन so, बी सौरव गांगुली सौरव गांगुली को नामित किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड एक्स बी चीफ सौरव गांगुली ये रॉप्ट इन किए गए हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज़्म बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला त्रिपुरा के गवर्नर हैं श्री सत्य नारायण आर्या जी और चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मणिक साहा। रीसेंट के अम्बेसडर के अपॉइंटमेंट्स की रिविजन कर लेंगे द इंडियन मेट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स हैज अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर गीता राव गुप्ता अपॉइंट की गई हैं एज यू एस एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वीमेंस इश्यूज। स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया है ऋषभ पंत को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एच एस पी सी ने साइन किया विराट कोहली को As their brand influencer, Indian Captain rohi Sharmane announced kia as geo Cinema's brand ambassador. Ro. Next question Which country has topped the list of global maternal deaths, stillbirths, and neonatal deaths by the United Nations? Right answer is option B India. Sanyukta Rashtra Duhara Vaishvik Matramrityu मृत जन्म और नवजात मृत्यु की सूची में इंडिया देश शीर्ष पर है यह आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज ए सी सी आई चेयरपर्सन राइट आंसर इज ऑप्शन सी रणवीर कौर रणवीर कौर को रॉप्ड इन किया गया है एज अ कॉम्पिटिशन कमीशन चेयरपर्सन यह आप याद रखिएगा बात करें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तो यह एस्टेब्लिश हुआ था फोर्टीन अक्टूबर 2003 में इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसमें कंजिस्ट होते हैं एक चेयरपर्सन होता है और सिक्स मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन फीचर्ड ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन राइट आंसर इज ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण को फीचर किया गया है ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन इससे पहले इन्हें इस मैगजीन के हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया था इन द ईयर 2018 बात करें टाइम मैगजीन की तो टाइम मैगजीन इज़ अ रिनाउंड वीकली न्यूज़ पब्लिकेशन बेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ये फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी 1923 में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन कन्फर्ड द फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ए एस आई राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जयंत नालिकर जयंत नालिकर जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोनोमर और फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हैं इन्होंने रिसीव किया इनोवरल गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्राम द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे इसके प्रेजिडेंट हैं प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी हेड क्वार्टर हैदराबाद इंडिया में और यह फाउंड हुआ था नाइनटीन सेवनटी टू में नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया होस्ट द फर्स्ट एवर फिजिकल एस सी ओ स्टार्टअप फोरम इन विच सिटी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू डेली इंडिया ने होस्ट किया थर्ड एडिशन ऑफ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस स्टार्टअप फोरम इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एवर फिजिकल इवेंट इन न्यू डेली ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था स्टार्टअप इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बात करें शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो एस ने ऐड किया है कुवैत, यूएई म्यांमार मालदीव्स को एस डायलॉग पार्टनर्स इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जेंग मिंग इसमें मेंबर्स हैं नाइन चाइना इंडिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान सेवनटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी में यह अनाउंस्ड किया गया था कि ईरान वुड बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द एस इसका फॉर्मेशन हुआ 1996 में शंघाई फाइव ग्रुप्स के नाम से इसमें उस वक्त शामिल थी फाइव कंट्रीज चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया एंड ताजिकिस्तान 2001 में उजबेकिस्तान के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान ने इसे जॉइन किया था इन दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग फेयर फ्री स्टेट राइट आंसर इज दो ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ रामनाथ कोविंद ने कन्फर्म किया भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड ऑन सी एम योगी फॉर क्रिएटिंग फेयर फ्री यू पी ये इसका एडिशन रहा थर्टीन्थ और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी सिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंडा या करिनो एक्स एन बी सी यूनिवर्सल एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव लिंडा या करिनो ये टेक ओवर करेंगी एस सी ई ऑफ ट्विटर ये रिप्लेस करेंगी एलन मस्क को जो कि रन कर रहे हैं टेस्ला एंड स्पेस एक्स कंपनी ट्विटर की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक्सकॉर्प इसके फाउंडर रहे जैक से, एवान विलियम्स बेज स्टोन एंड नोहा क्लास ये फाउंड किया गया 21 मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेड क्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की रिविजन कर लेंगे न्यू प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं अजय बांगा सी ऑफ यूट्यूब हैं नील मोहन न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा हैं ऐसी चरनिया इंडियन ऑरिजिन है सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक बने हैं टिम मायोपोलिस अरुण सुब्रमण्यम बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट कैग जीसी मुर्मू को सिलेक्ट किया गया एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोन्ते देसाई को एज हेड कोच यूनिलीवर ने अपॉइंट किया है चुमाचर को एस न्यू सीईओ जासोन मू को अपॉइंट किया गया है एस सी ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर सिंडी हुक को नामित किया गया एस सी ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द दिक्सथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आई राइट आंसर इज ऑप्शन डी बांग्लादेश बांग्लादेश होस्ट करेगा सिक्स इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आई को ये अटेंड किया जाएगा लगभग 150 डेलीगेट्स के द्वारा जिसमें इंक्लूड होंगे हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 25 कंट्रीज द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश इन 2016 इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट न्यूली अपॉइंट किए गए शाहबुद्दीन चुप्पू करेंसी है टका नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन नेम्ड द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एट द 2023 ट्वेंटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी लियोनल मैसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मैसी इन्हें नामित किया गया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एट द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रहीं शैली एंड फ्रेजर प्राइज एक जमाइकन एथलीट हैं टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को ब्रेक थ्रो अवार्ड दिया गया कार्लोस अल्क्राज को ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कमबेक अवार्ड दिया गया क्रिस्टियन एरिकसन को ये डेनमार्क के फ़ुटबॉल प्लेयर हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे तेलंगाना के वुपुल्ला प्रणीत बने हैं इंडिया के एटी सेकेंड ग्रैंड मास्टर आई 2023 में राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल ने हिस्ट्री क्रिएट की है और बने हैं फर्स्ट इंडियन टू टेक मोस्ट विकेट्स इन आई पी एल फखर जमान और नारूमोल चेवाई क्राउंड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल मैक्सर स्टेपन ने बॉर्न किया मियामी ग्रैंड प्रसेंटी ट्वेंटी थ्री प्रवीण चित्रावल ने सेट किया न्यू ट्रिपल जंप नेशनल रिकॉर्ड बाबर आजम बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट 5000 थाउजेंड ओडीआई रन्स। मार्क निकोलस सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिल बोंड क्रिकेट क्लब एम सी सी क्वेश्चन वो हैज लॉन्च हरी सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन न्यू डेली राइट आंसर इज ऑप्शन डी सर्बानंदा सोनोवाल सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 ट्वेंटी कहाँ पर तो न्यू दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंदा सोनोवाल हैज़ लॉन्च हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 इसकी एम है टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस अक्रोज ऑल आर पोर्ट्स द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स वर ऑल्सो कन्फर्ड टू मेजर पोर्ट्स फॉर देयर एग्जेपनल अचीवमेंट्स इन वेरियस ऑपरेशनल पैरामीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्टर हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम एज एन एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलम्पिक्स ट्रिप टू बर्लिन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को चूज किया गया है टू इंस्पायर एंड सपोर्ट द इंडियन कॉन्टीजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ये टेक प्लेस होगा बर्लिन में जून सिक्सटीन से लेकर जून ट्वेंटी फाइव तक आयुष्मान खुराना न्यूज़ में रहे हैं इनके बारे में देख लेंगे बैक फिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये वर्क कर रहे हैं यूनिसेफ़ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स के रूप में ये काम कर रहे हैं कॉइन डी के एम्बेसडर फॉर फ्यूचर यही है कैंपेन के रूप में ये काम कर रहे हैं और यूनिसेफ के एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रेंस राइट्स कैंपेन के

तो इसके सी हैं मिकेल मेबाक और हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में भारत पे की बात करें तो इसके सी हैं ओ सुहेल समीर इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन दावकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश बांग्लादेश और इंडिया के बीच में दाव की लैंड पोर्ट को रिसेंट में इनोग्रेट किया गया है यह आप याद रखिएगा इसका उद्देश्य है टू तो प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश द दाव की लैंड पोर्ट वॉज इनोग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय इन मेघालियास वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे स्थित है चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल जी लेजिस्लेचर है इसका बाय कैमरल काउंसिल सीट्स हैं हंड्रेड असेंबली सीट्स फोर जीरो थ्री राज्यसभा सीट्स थर्टी वन और लोकसभा सीट्स हैं एट्टी नेक्स्ट क्वेश्चन द पीटर्स बर्ग डायलॉग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी राइट आंसर इज ऑप्शन बी बर्लिन जर्मनी पीटर्स बर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के बारे में देख लेंगे ये इसका एडिशन रहेगा फोर्टीनथ ये एक फोरम है फॉर हाई लेवल इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक्स हेल्ड एनुअली बिफोर द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सी ओ पी ये होस्ट की गई है बर्लिन जर्मनी में यह होस्ट की गई जर्मनी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा विच इज़ होस्टिंग ट्वेंटी एट्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप ट्वेंटी एट टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ सी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स कमिटी बाय बैडमिंटन एशिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए उमर रशीद बैडमिंटन एशिया ने अपॉइंट किया है उमर रशीद को जो तो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बी ए आई है एज द चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल ऑफिशियल्स कमिटी बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तो यह एस्टेब्लिश हुआ था 1934 में इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसके प्रेसिडेंट हैं हिमांत बिस्व शर्मा जी नेक्स्ट समरेश मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ सेवेंटी नाइन ही राइट आंसर इज ऑप्शन ए

the goal of cutting emissions to net zero by 2070 next question who is the author of the new book title my life as a comrade right answer is option D. KK shelaja former ceo of the kochi biennial foundation and journalist k shelaja has come up with her new book my life as a comrade इट हैज बीन विद मंजू सारा राजन एक इंडियन पॉलिटिशियन और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ़ केरल हैं जो कि हेल हुई केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में शैलाजा करेंटली सर्व कर रही हैं एज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग मत्तनूर कॉन्स्टिटेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज क्वार्टर ऑफ एशियन सिचुएटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए जकर्ता एशियन का हेड क्वार्टर जकर्ता में है, ये आप याद रखिएगा द फोर्टी सेकेंड समिट ऑफ द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्टार्टेड इन इंडोनेशिया 2023 में इसकी थीम रही एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ एशियन जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये फाउंड हुई थी 1967 में इसका हेड क्वार्टर है जकर्ता इंडोनेशिया में इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं मलेशिया ब्रुनई बर्मा सिंगापुर इंडोनेशिया फिलीपींस, वियतनाम थाईलैंड लाओस एंड कम्बोडिया तिमोर लेस्ते टू बी द एलेवेंथ मेंबर ऑफ एशियन इसकी एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन ये हैं एशियन कंट्रीज़ म्यांमार लाओस थाईलैंड वियतनाम मलेशिया कम्बोडिया सिंगापुर ब्रूनई इंडोनेशिया एंड ईस्ट तिमोर and philippines so next question which cultural site is recommended for unesco world heritage center right answer is option b shanti niketan no unesco world heritage center has recommended shanti niketan the cultural site in west bengal for inclusion in the unesco world heritage list द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमोस एक फ्रांस बेस्ट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेड करता है रिकमेंडेशन को इकोमोस एक एडवाइजरी बॉडी है टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जिसमें कंप्राइज़ होते हैं एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम लोकल अथोरिटीज हेरीटेज ऑर्गेनाइजेशज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की 40 जिसमें इंक्लूड हैं 32 कल्चरल प्रॉपर्टीज सेवन नेचुरल प्रॉपर्टीज और वन मिक्स्ड साइट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लेंगे इंडिया की रानी की बाव द कोइंस स्टेपवेल ये पटना गुजरात में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार नालंदा बिहार खाग जोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है यह मिक्स्ड हेरिटेज साइट है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले लेर चंडीगढ़ में है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड ऑफ मुंबई महाराष्ट्र जयपुर सिटी जयपुर राजस्थान थर्टी नाइन्थ यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया बनी है रामप्पा टेम्पल ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है और फोर्टी साइट ऑफ इंडिया है धोलावीरा जो कि एक हरप्पन सिटी है ये गुजरात में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सी ई ओ ऑफ क्वांटाज एयरवेज लिमिटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेनेसा हटसन वेनेसा हटसन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू सी ई ओ ऑफ क्वांटाज एयरवेज लिमिटेड ये इन्हें बनाता है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने की होल्ड किया है इस पोजिशन को इन द एयरलाइंस हिस्ट्री क्वाटाज एयरवेज लिमिटेड की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स ये एक फ्लैग कैरियर एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की जो कि फाउंड हुई थी इन द ईयर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट फार्म पार्क राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललितपुर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड नेक्स्ट हु हैज़ वॉन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने वॉन किया है मैन सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023. वीमेन सिंगल टाइटल वॉन किया गया है अरियाना सबलेंका के द्वारा ये आप याद रखिएगा मई 2023 के स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स की रिविज़न कर लेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2023 में वीमेन सिंगल का टाइटल जीता गया अरियाना सबलेंका के द्वारा ये बेलारूस से हैं और मेन सिंगल का टाइटल वॉन किया गया नोवैक जोकोविक के द्वारा ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल ट्वेंटी मैन सिंगल का टाइटल जीता विक्टोर एग्जेलसन ये डेनमार्क से हैं और वीमेन सिंगल का टाइटल जीता गया अकेन यामागुच्ची के द्वारा ये जापान से हैं ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरा चोपड़ा ने वॉन किया डायमंड लीग टाइटल विद 88.67 मीटर थ्रो इन दोहा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द हेरिटेज सेंटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी चंडीगढ़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया नेशंस के फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को चंडीगढ़ में इसकी एम है टू इंस्पायर द यूथ ऑफ चंडीगढ़ टू परस्यू अ करियर इन द इंडियन एयरफोर्स ये हाईलाइट करेगा आई ए एफ के रोल को इन वेरियस वॉर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर अलेवन ईयर्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीरिया Arab League member states ne agree hai to reinstate Syria's membership after the suspension more than 10 years ago. The country was suspended from the intergovernmental grouping in 2011 due to Damascus' actions against peaceful protests that started earlier that year. Next question. Youth 20 Consultation Program Conference concludes in which state? Right answer is Option C, Uttarakhand. अ टू डे यूथ ट्वेंटी कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई अंडर द एजेस ऑफ जी ट्वेंटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश उत्तराखंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही थी हेल्थ वेलनेस एंड स्पोर्ट्स जी ट्वेंटी समिट्स देख लेंगे जो कि न्यूज में रहीं साइंस ट्वेंटी एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग बंगारम आइलैंड लक्षद्वीप में ऑर्गेनाइज हुई वाई ट्वेंटी प्री समिट मीटिंग लेह लद्दाख में जी ट्वेंटी टूरिज्म एक्सपो जयपुर राजस्थान फर्स्ट जी ट्वेंटी फिनांस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक जी ट्वेंटी रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई बात करें उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून विंटर की और गेयरसेंड समर की चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामित जी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पार्क राजा जी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स हैं कालाघर टाइगर रिजर्व एंड राजा जी टाइगर रिज़र्व उत्तराखंड के चार धाम हैं यमुनोत्री धाम गंगोत्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स से हैं सेवेंटी राज्यसभा सीट्स से थ्री और लोकसभा की सीट्स हैं फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ कूची राइट आंसर इज ऑप्शन सी आलिया भट्ट गुची जो कि लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली का इसने अपॉइंट किया आलिया भट्ट को एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया ये डेब्यूट करेंगे एज द ब्रांड्स न्यूएस्ट ग्लोबल एम्बेसडर एट द गुची क्रीज 2024 शो इन सियोल जो कि कैपिटल है साउथ कोरिया की नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन रॉप्ट इन एज फोर्टियथ प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुधा शिव कुमार सुधा शिव कुमार को अपॉइंट किया गया एज द फोर्टियथ प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफ एल ओ विच इज़ द ओल्डेस्ट वीमेन लेड एंड सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर इन साउथ ईस्ट एशिया बात करें फिकी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर 1927 इसके फाउंडर रहे घनश्याम दास बिल्ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है प्रेसिडेंट है मिस्टर शुभ्राकांत पांडा और सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन फिक्शन कैटेगरी राइट आंसर इज ऑप्शन बी बार किंग सोलर एंड हन्नेन डियाज बारबारा किंग सोलवर जो कि एक अमेरिकन नावलिस्ट हैं और हन्नान डियाज जो कि एक अर्जेंटीना राइटर हैं इन्हें अवॉर्डेड किया गया था पुलिसर प्राइज़ 2023 से इन द फिक्शन कैटेगरी बारबारा किंग सोलवर वाज अवॉर्डेड फॉर हर नावल डेमोन कापर हेल्ड डैमॉन कापर हेड एंड हन्नान डियाज ने वॉन किया है अपने नावल ट्रस्ट के लिए द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स reporting category in इंटरनेशनल इन भी आप याद रखेगा पुलिसर प्राइज की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे यह एस्टेब्लिश किया गया था इन दर नाइनटीन सेवेंटी नेम्ड इन ऑनर ऑफ न्यूज पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और अवॉर्डेड किया जाता है फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म फोटो जर्नलिज्म एंड लिटरेचर एनुअली अक्रॉस 22 टू कैटेगरीज गोबिंद बिहारी लाल ये फर्स्ट हैं इंडिया से जिन्होंने वॉन किया पुलिसर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937। ही वाज़ द मेंबर ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन हुम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडिया लार्जेस्ट एम बी एफ सी पावर फिनांस कॉरपोरेशन पी एफ सी राइट आंसर इज ऑप्शन सी परमिंदर चोपड़ा द पब्लिक एंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड पी ई एस बी ने रिकमेंड किया है परमिंदर चोपड़ा को एज अ न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फिनांस कॉरपोरेशन पी एफ सी ये फर्स्ट वुमेन होंगी जिन्हें की अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द महारत्ना कंपनी बात करें पावर फिनांस कॉरपोरेशन की तो इट इज इंडिया लार्जेस्ट एन बी एफ सी मीन्स नॉन बैंकिंग फिनशियल कॉरपोरेशन बाय नेटवर्थ ऑल रिजर्व इट वॉज इनकॉरपोरेटेड ऑन जुलाई नाइनटीन एटी सिक्स गवर्नमेंट ने रेस किया है इसका स्टेटस फ्रॉम नवरत्ना टू महारत्ना पी एस यू ऑन ट्वेल्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसका रजिस्टर ऑफिस है न्यू डेली में नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मे सेवन वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एथलेटिक्स फॉर ऑल अन्य वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल सेवन मई को मनाया जाता है दो हजार तेईस की इसकी थीम रही एथलेटिक्स फॉर ऑल अन्यू पिकनिंग मे के इम्पोर्टेंट डेज देख लेंगे फर्स्ट मई को मनाया गया इंटरनेशनल लेबर डे फर्स्ट मे को ही महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी मनाया गया सेकेंड मे को वर्ल्ड ट्यूनर डे थर्ड मे को प्रेस फ्रीडम डे फोर्थ मे को कोल माइनर्स डे एट्थ मे को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे नाइन्थ मे को रबींद्र नाथ टैगोर जयंती अलेवेंथ मे को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ट्वेल्थ मे को इंटरनेशनल नर्सेस डे जिसकी थीम रही आर नर्सेस और फ्यूचर सेवनटीन मे को वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया गया जिसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ट ग्लोबल चेस लीग इन 2023? ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन डी दुबई दुबई यू ए होस्ट करेगा इनोग्रल एडिशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग जी सी एल फ्रॉम जून ट्वेंटी फर्स्ट टू सेकेंड जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइज वेस्ट चेस लीग ये हेल्ड किया जाएगा दुबई में इन विद दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल फीचर करेगा सिक्स टीम्स को विद सिक्स प्लेयर्स ईच इंक्लूडिंग अ मिनिमम ऑफ टू फीमेल प्लेयर्स एंड वन आइकन प्लेयर पर टीम जी सी एल एक जॉइंट वेंचर है फिडे और टेक महिंद्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी वेमेन है इंडियन आर्मीज रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी फॉर दस्ट आंसर इज ऑप्शन एमेन कैडेट को इंडक्ट किया गया है इन टू द इंडियन आर्मीज रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन फाइव वीमेन्स के नाम है लेफ्टिनेंट मेहक सैनी लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे लेफ्टिनेंट आदित्य यादव लेफ्टिनेंट पायोस मुदगिल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा ये ज्वाइन करेंगी आर्मी के प्रीमियम आर्टिलरी यूनिट्स आफ्टर सक्सेसफुली कम्पलीटिंग ट्रेनिंग एट द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओ टी ए इन चेन्नई नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हाइएस्ट पैड एथलीट एज पर दाइए थ्री राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाइएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी अर्निंग है 136 मिलियन डॉलर इन्हें फॉलो किया गया है लियोनल मेसी कैलियन एम्बपे लेब्रोन जेम्स एंड बॉक्सर कैनेलो एल्वरेस के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन लुका ब्रेजल बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम कंटिनेंटल यूरोप टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ही इज फ्रॉम विच कंट्री राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेल्जियम बेल्जियम के लोका ब्रेजल ये बने हैं फर्स्ट यूरोपियन प्लेयर टू विन 2023 वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप और दिस वाज हिज फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल ये आप याद रखिएगा इन्होंने डिफीट किया मार्क सेल्बी को जो कि इंग्लैंड के हैं द टूर्नामेंट वाज हेल्ड एट द क्रूसिबल थिएटर इन शेफ इंग्लैंड Next question: What is the name given to the cyclone that the India Meteorological Department predicts to hit India's eastern coast? Right answer is option D, Cyclone Mocha. World Meteorological Organization, which is a United Nations agency, has warned that the super cyclone will cause heavy rain, flooding, and landslides around the coasts of two countries. Both Bangladesh and Myanmar have evacuated thousands of people, including the Rohingya refugees, and provided shelter in over 4000 safety camps. So, next question Which country is ranked number one in ICC Men's Test and T20 Team Rankings 2023? Right answer is option B India rohi sharma led india surpass australia to become the number one test team in the latest ranking released by the international cricket council india currently sit kara hit top of the ladder with 121 points so with australia in the second sports with 116 points so. next question who is the author of the book title collective spirit concrete action right answer is option c शशि शेखर वैम्पटी एट द हंड्रेड एपिसोड ऑफ मन की बात अ बुक कोल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये लिखी गई है शशि शेखर वैम्प्टी जी के द्वारा जो कि फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती रहे हैं 2017 से लेकर 2022 तक द बुक वॉज रिलीज्ड ट्यूरिंग अ डे लॉन्ग नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात एट हंड्रेड हेल्ड इन नेशनल कैपिटल न्यू डेली बुक्स एंड ऑथर्स देख लेंगे मई 2023 के स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई सचिन एट फिफ्टी सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोलिया मजुमदार गांधी सियासत और संप्रदायिकता पीयूष बेबेले कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नंदनी दास क्रॉसकोट कोट जयदीप मुखर्जी Next question Who has become the first Indian to complete the prestigious Golden Globe Race 2022? Right answer is option A Abhilash Tommy. Retired commander Abhilash Tommy, ne history create created as the first Indian to complete the Golden Globe Race. Golden Globe Race is the longest sporting event in the world and bars the use of modern technology. Next question. वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन सी वन सिक्सटी फर्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये पब्लिश किया जाता है हर साल दो हज़ार दो से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डरस और रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स आर एस एफ के द्वारा इंडिया की रैंक रही है इसमें वन सिक्सटी फर्स्ट अमंग द वन एटी कंट्रीज विद द स्कोर ऑफ थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्सटी टू 2022 में इंडिया की रैंक रही थी वन फिफ्टीअर्थ हो पॉइंट्स देख लेंगे द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज बेस्ड ऑन फाइव डिफरेंट फैक्टर्स ये फाइव फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर लेजिस्लेटिव इंडिकेटर सोशल इंडिकेटर एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर सिक्योरिटी इंडिकेटर में इंडिया की रैंक फॉल हुई है ओनली चाइना मैक्सिको ईरान पाकिस्तान सीरिया यामेन यूक्रेन एंड म्यांमार बिलो इंडिया ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पैराग्वाय प्रेजिडेंशियल इलेक्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेंटियागो पैना सेंटियागो पैना ने वॉन किया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पेराग्वाय प्रेजिडेंशियल इलेक्शन बात करें पैरागोई की तो ये कंट्री है साउदन अमेरिका की जिसे ऑफिशियली जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ पैराको के नाम से इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है असेंशन प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं सेंटियागो पेना पैना और करेंसी है गुरानी नेक्स्ट क्वेश्चन वो हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अटोमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजित कुमार मोहंते अजीत कुमार मोहान्ते जो कि एक वेल नोन फिजिसिस्ट एंड ऑल्सो सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ द भाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर बार्क हैं इन्हें सेलेक्ट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अटोमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अटोमिक एनर्जी मोहान्ते रिप्लेस करेंगे के एन व्यास को नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल लॉन्च द हीट इंडेक्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया इंडिया लॉन्च करेगा अपने हीट इंडेक्स को नेक्स्ट ईयर टू क्वांटिफाई द इंपैक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स पॉपुलेशन एंड जनरेट इंपैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट्स फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एस के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है इस सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम होंगे आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो